हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका चैनल पे। मेरा नाम जतिन है। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे एंड स्वस्थ होंगे। IIIT हैदराबाद का जो हमारा PGWA का एग्ज़ाम था, उसके जो MTech के काउंसलिंग राउंड्स हैं वो शुरू हो चुके हैं। एंड वेबसाइट पे जाएंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी। एंड कितनी मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या सिनेरियोज़ हैं, उन सबको आज डिस्कस करने वाले हैं। एंड किस सिनेरियो में आपको फ़ीस पे करनी है, किस सिनेरियो में फ़ीस पे नहीं करनी, वो सब डिस्कस करेंगे। एंड अगर फ़ीस पे करने का तो आपको कैंसिल एडमिशन करना होगा, इन केस अगर आपको और अच्छे कॉलेज में मिल रहा है, लेट्स सपोज IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे या फिर IIT खड़गपुर कानपुर से यहाँ से कॉल आ गया, एंड इफ़ यू वॉन्ट टू कैंसिल योर एडमिशन, तो आपका कितना रिफंड, अगर आपने पे कर दिया है तो कितना रिफंड मिलेगा, तो वो सब के बारे में आज वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरे एंड तक देखना ताकि कोई भी चीज़ छूटे ना, एंड फिर भी कोई डाउट हो तो वीडियो को कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ लेना। ठीक है, एंड मेरी आवाज़ थोड़ी सी बदली बदली लग सकती है क्योंकि अभी थोड़ा आई एम नॉट इन गुड हेल्थ, सो प्लीज़ कोऑपरेट। ओके, तो चलिए देखते हैं। तो जैसे आपके पास एक मेल आया होगा ये वाला, नहीं भी आया तो कोई बात नहीं, मेल एडमिशन के रिजल्ट्स, काउंसलिंग के रिजल्ट्स हैं फॉर एमटेक, वो आ चुके हैं। ठीक है, और ये रिजल्ट सबके लिए आ गए हैं। जनरली तीन ब्रांच हैं, CSC, CSIS एंड केस। केस इज़ फॉर सिविल पीपल के लिए, सिविल इंजीनियरिंग्स के लिए कंप्यूटर स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग, ये वाला अलग कोर्स है सिविल के लिए। एंड फॉर CSE के लिए दो ये वाले कोर्स हैं, CSE एंड CSIS। ठीक है, और इनका इंडेक्स जनरली इतना रहता है, 90 फॉर CSE एंड 30 फॉर CSIS। जनरली इन जनरल कोई फ़र्क नहीं होता प्लेसमेंट वाइज, बट करिकुलम में थोड़ा सा फ़र्क रहता है कि CSIS में कुछ कोर्सेज जो हैं वो पहले से आपके शेड्यूल में होते ही होते हैं कि आपको ये हर सेमेस्टर, एक सेमेस्टर, इस सेमेस्टर में ये पर्टिकुलर दो, एक दो कोर्स करने ही करने हैं। बट CSE में ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती, आप कोई सा भी कोर्स ले सकते हैं। ठीक है, अभी ये रेस्ट्रिक्शन होती है, बाकी एज पर द प्लेसमेंट वाइज और कोई फ़र्क नहीं होता है। ठीक है, तो ये मेल आपको बस आया होगा। तो इस मेल में क्या लिखा है, दैट दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी हैव अनाउंस राउंड वन रिजल्ट फॉर एमटेक एडमिशन 2022-2023 थ्रू PGEE मोड। प्लीज़ लॉग इन एट द लिंक गिवन बिलो टू नो योर स्टेटस। ये लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा ताकि आपको ढूंढने में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, एंड इफ़ यू हैव बीन ऑफर्ड अ सीट यू मे एक्सेप्ट द सेम बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शन ऑन द पोर्टल एंड कंप्लीट द पेमेंट प्रोसेस। यू कैन फाइंड फर्दर डिटेल्स इन द ऑफर लेटर। ऑफर लेटर आपको, अगर आपका राउंड वन में आपको सीट अलॉट हो गई है तो आपको ऑफर लेटर आपको मिल गया होगा पोस्टेड ऑन द पोर्टल। प्लीज़ क्लिक द सीट विलिंगनेस टैब एंड गिव योर एक्सेप्शंस। सीट विलिंगनेस का यहाँ पे एक टैब है हमारे पास, इस पर जाके आपको अपनी जो एडमिशन के लिए सीट है वो एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, अगर आपको वहाँ पे अगर एडमिशन के लिए आपको कॉल आया है एक तरीके से। ठीक है, इफ़ योर राउंड वन रिजल्ट इंडिकेट्स दैट यू आर नॉट अलॉटेड सीट इन राउंड वन, प्लीज़ गिव योर कंसेंट टू बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट राउंड बाय फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑन द पोर्टल। अगर राउंड वन रिजल्ट में आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, सपोज अभी आपको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई राउंड वन में, तो आपको यहाँ पे आके कंसेंट देना पड़ेगा कि आपको फर्दर और राउंड्स में पार्टिसिपेट करना है या नहीं करना। इन जनरल टोटल तीन राउंड्स में एडमिशन हो जाता है, लास्ट ईयर भी तीन राउंड्स में सारे के सारे जो सीट्स हैं फुल हो गई थी। ठीक है, प्लीज़ गिव योर कंसेंट टू बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट राउंड बाई फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस ऑन द पोर्टल। बाई फेलिंग टू डू सो यू फॉरफिट द अपॉर्चुनिटी टू बी कंसिडर फॉर द नेक्स्ट राउंड। प्लीज़ क्लिक द सीट विलिंगनेस टैब एंड गिव योर कंसेंट। ओके, एट द इस वाले केस में अगर आपको राउंड वन रिजल्ट में कोई राउंड वन के रिजल्ट में कोई सीट नहीं मिली है, तो आपको कोई फीस पे करनी नहीं है, आपको कोई फीस पे करनी नहीं है, बट आपको अपने एक कंसेंट देना है कि हाँ आपको फर्दर राउंड्स में एडमिशन लेना है या नहीं लेना। ठीक है, तो एक तो सिनेरियो ये हो सकता है, आपके पोर्टल पे ऐसा दिखाए दैट कॉन्ग्रेचुलेशन यू हैव बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड वन, एंड ठीक है कॉन्ग्रेचुलेशन यहाँ पे लिखा हुआ है एंड आपको राउंड वन में सीट मिल गई है। ओके, एंड देन ऑफर लेटर के लिए आप इस पर क्लिक कर सकते हो डाउनलोड ऑफर लेटर पे, तो यहाँ से आप डाउन ऑफर लेटर अपना डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, एंड देन यहाँ पे प्रोग्राम अलॉटेड जो अभी आपने प्रोग्राम आपको कौन सा मिला है, CSE या फिर CSIS, वो यहाँ पे लिखा होगा, या फिर केस का है तो आप केस का लिखा होगा। एंड सीट एक्सेप्टेड उसका भी अभी आपने कुछ करा नहीं है, सीट लॉक उसका भी आपने कुछ करा नहीं है, एंड अमाउंट टू बी पेड इतना है 1,65,000। ठीक है, ये दो चीज़ें अभी बताऊंगा, सीट एक्सेप्टेड और लॉक का क्या मतलब है, बाकी आगे चलते हैं। ठीक है, तो एक सिनेरियो तो ये हो सकता है कि आपको फर्स्ट राउंड में आपकी जो प्रेफरेंस थी, आपसे दो प्रेफरेंस फिल करवाई थी ना, फर्स्ट प्रेफरेंस एंड सेकंड प्रेफरेंस, तो लेट सपोज एग्जांपल की तरह मान लेते हैं कि ये जिस स्टूडेंट का ये रिजल्ट है उसने CSE अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी, उसने CSE अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस डाली थी एंड उसको CSE ही फर्स्ट राउंड में मिल गई, CSE ही फर्स्ट राउंड में मिल गई, एंड नाउ ही वॉन्ट्स कि उसका एडमिशन यहाँ पे इस कॉलेज में हो जाए। ठीक है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, इस वाले सीट विलिंगनेस टैब पे जाना पड़ेगा, इस सीट विलिंगनेस टैब पे जाना पड़ेगा, एंड यहाँ पे जाने के बाद ये ऑप्शन आएगा, कंसेंट फॉर सीट अलॉटमेंट राउंड वन, एप्लीकेशन नंबर लिखा होगा, प्रोग्राम अलॉटेड लिखा होगा, फी अमाउंट, एंड एक्सेप्ट सीट पे आपको यहाँ पे दो ऑप्शन होंगे, येस एंड नो। अगर आपको सीट एक्सेप्ट करनी है तो आपको येस पे क्लिक करना पड़ेगा, एंड अगर आपको सीट एक्सेप्ट नहीं करनी है तो नो पे क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, एंड लॉक सीट का कहाँ पे यूज आएगा, अगर आपको सीट चाहिए ही चाहिए, अगर आपको फर्स्ट राउंड में जो भी आपको CSE अगर मिल गया है
सीएससी अगर मिल गया और आपको ये चाहिए ही चाहिए, तो आपको लॉग शीट पे यहाँ पे यस करना पड़ेगा, ठीक है। लॉग शीट पे आपको यस करना पड़ेगा, एक्सेप्ट शीट पे भी यहाँ पे आपको यस करना पड़ेगा, ठीक है। एंड यहाँ पे फिर इस पर प्लीज़ रीड टर्म्स एंड प्रोसीड फॉर पेमेंट बाय चेक क्लिकिंग ऑन द चेकबॉक्स, एंड यहाँ पे आप फर्दर फिर पेमेंट के लिए ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, एंड 1,65,000 रुपीज़ आपको पे करने पड़ेंगे, एंड तब जाके आपका एडमिशन जो है पक्का हो जाएगा, ठीक है। ये तो एक सिनेरियो हो गया कि आपको फर्स्ट राउंड में सीट मिली, आपकी जो प्रेफरेंस फर्स्ट प्रेफरेंस थी उसी प्रेफरेंस के अनुसार मिली, एंड या और आपको अपनी फीस एक्सेप्ट शीट में येस करना है, लॉग शीट में येस करना है, ठीक है, एंड आपको अपनी फीस पे कर देनी है, ठीक है। अब दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है, दूसरा सिनेरियो ऐसा हो सकता है दैट कि अगर आपको फर्स्ट राउंड में सीएससी आपने फर्स्ट प्रेफरेंस सीएससी एंड सेकंड प्रेफरेंस दी थी सीएसआईएस, ठीक है, एंड फर्स्ट राउंड में आपको लेट सपोज सीएसआईएस मिला है एंड यू वांट कि आपको आगे फर्दर राउंड्स में सेकंड या फिर थर्ड राउंड में सीएससी मिल अगर आपको चाहिए, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, आपको वापस यहीं पे आना है इस वाले सीट विलिंगनेस टैब पे, एंड यहाँ पे जो आपका एक्सेप्ट सीट है इसे एक्सेप्ट सीट पे येस करना है एंड अगर आपको लॉक सीट नहीं करनी है, लॉक सीट का मतलब क्या है, जो भी आपको प्रोग्राम अलॉटेड हुआ है ये फाइनल है, ठीक है, ये फाइनल हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और अगर आपको और बेटर चाहिए, मे बी लाइक आपको अपनी आपकी फर्स्ट प्रेफरेंस चाहिए सीएससी के लिए, ठीक है, तो आपको उसके लिए यहाँ पे नो करना पड़ेगा, लॉक सीट नो करना है एंड एक्सेप्ट सीट येस करना है, एंड आपको यहाँ पे चेकबॉक्स पे क्लिक करके आपकी फीस पे कर देनी है 1,65,000। तो मे बी आपके पास चांस होगा, आपकी सीट यहाँ पे पक्की हो गई, सीट यहाँ पे पक्की हो गई है, बट सीट में लाइक आपके पास अपग्रेडेशन का चांस है अभी भी, ठीक है, क्योंकि आपने लॉक सीट नहीं करी है। बट अगर सेकंड राउंड में मे बी आपको क्या पता सीएससी मिल जाए, तब आप लॉक सीट कर सकते हैं, एंड फीस आपने ऑलरेडी पे कर दी है, तो आपको वापस फी पे करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। सेकंड राउंड में ना हो तो मे बी थर्ड राउंड में मिल सकता है, ठीक है। एंड अगर फाइनली एट द एंड ऑफ थर्ड राउंड भी अगर आपको नहीं मिले, तो जो आपका जो ये प्रोग्राम फर्स्ट राउंड में जो आपको सीट मिली थी सीएसआईएस की, तो आपको यही आपका प्रोग्राम रहेगा, ठीक है, तो अब और उसमें कोई चेंज नहीं होगा। तो ये इसमें है कि अगर आपको अपग्रेड के लिए वेट करना हो, तो आपको एक्सेप्ट सीट पर येस करना है एंड लॉक सीट पर नो करना है, ठीक है। एंड एक सिनेरियो और हो सकता है ये वाला, दैट वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म यू दैट यू हैव नॉट बीन अलॉटेड अ सीट इन राउंड वन। राउंड वन में आपको अभी तक कोई सीट नहीं मिली है, तो इसका मतलब क्या है कि लेट सपोज अगर उन्होंने लिस्ट बनाई होगी शॉर्ट लिस्टेड लिस्ट की, लाइक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैं सिम बता रहा हूँ, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, कोई रैंडम नंबर ले रहा हूँ, लेट सपोज 1 से लेकर 500 तक उन्होंने शॉर्ट लिस्टेड बच्चे कर लिए, ठीक है, एंड उनके पास सीट्स है 120 है, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, 1 से लेकर टोटल जो शॉर्ट लिस्टेड जो लिस्ट है उसमें 1 से लेकर 120 तक सबको एडमिशन के लिए भेज देंगे, ठीक है, सबको एडमिशन के लिए भेज देंगे। अब इसमें से कुछ ऐसे बच्चे भी होंगे जिनको सीट नहीं लेनी, या फिर कुछ और दिक्कत है कि उन्हें इस साल एडमिशन नहीं लेना, या फिर एक बार फिर से गेट की तैयारी करनी है। तो मे बी लेट सपोज 80 बच्चों ने एडमिशन ले लिया, यहाँ पे 80 बच्चों ने एडमिशन ले लिया एंड 40 बच्चों ने नहीं लिया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ये जो 40 बच्चों ने नहीं लिया, अब अगली जो 121 से लेके यहाँ पे जो 160 तक स्टूडेंट्स होंगे ना, इन 40 लोगों को ये सीट का ऑफर आएगा राउंड टू में। ये राउंड वन के लिए आया था, ये राउंड टू के लिए आया था। एंड लेट सपोज अगर राउंड टू में भी 40 सीट्स में से लेट सपोज 30 लोगों ने ले लिया एंड 10 लोगों ने नहीं लिया, तो अगले जो 161 to 170 हैं, इनको फिर ऑफर जाएगा कि आपको सीट लेनी है, आपको एडमिशन लेना है या नहीं लेना थर्ड राउंड में, ठीक है। एंड अगर इसके बाद थर्ड राउंड के बाद भी अगर कोई सीट बचती है, तो वो फोर्थ राउंड करा सकते हैं, बट इट इज़ नॉट कंपलसरी कि फोर्थ राउंड होगा ही होगा, ठीक है। तो प्लीज़ फोर्थ राउंड का वेट मत करना, थर्ड राउंड में अगर आपको सीट आई है तो वो ले लेना, क्योंकि थर्ड राउंड तक के बाद सीट्स बचती नहीं है, तो आपको ऐसे ऐसे वेट करना पड़ेगा। ये एग्जाम्पल लिया था, ऐसा कोई नंबर नहीं है कि शॉर्ट लिस्टेड मैंने जस्ट एग्जाम्पल के तौर पर लेके 500 है, ये कोई ऐसा नहीं है कि यूनिवर्सिटी की तरफ से एक नंबर आया है, ठीक है। एंड यहाँ पर सीट विलिंग आपको अगर फर्दर राउंड में पार्टिसिपेट करना है, अब ये फर्दर पार्टिसिपेशन इन राउंड पे यहाँ पे नल दिखा रहा है, तो यहाँ पे आपको सीट विलिंगनेस पे आना पड़ेगा एंड यहाँ पे ऑप्शन दिखाएगा यू हैव नॉट बीट अलॉटेड अ सीट इन राउंड वन, डू विश टू बी कंसिडर फॉर सीट एलोकेशन इन द नेक्स्ट राउंड। तो अगर आपको नेक्स्ट राउंड में फिर से सीट एलोकेशन के लिए आपको अगर कंसिडर करें वो, तो आपको येस करना है। एंड अगर आप चाहते हैं कि आपको फर्दर और राउंड में क्या कहते हैं, आपको सीट नहीं मिली, आपको राउंड वन में सीट नहीं मिली एंड आप फर्दर भी लाइक चाहते नहीं है कि फर्दर आपको कंसिडर करा जाए, तो आप यहाँ पे नो फिल कर सकते हैं, ठीक है। वैसे नो जनरली कोई फिल करेगा नहीं, यस ही फिल करते हैं। सो लाइक आपके अनुसार है कि आपको क्या क्या करना है। तो ये सब तो तीन सिनेरियो थे कि एक तो अगर आपको प्रेफरेंस आपकी सही मिल गई, तो आप फीस पे करके तो वो कर सकते हैं। अगर प्रेफरेंस आपको अपग्रेड करानी है, अभी अपग्रेड करानी है, तो उसके लिए आप लॉक मत कीजिएगा, एक्सेप्ट कर लीजिएगा। एंड इन दोनों केस में आपको 1,65,000 रुपीज़ पे करना है, 1,65,000 रुपीज़ पे करना है। एंड अगर आपको सीट नहीं मिली है, देन आपको फर्दर राउंड्स के लिए वेट करना पड़ेगा। एंड प्लीज़ इस पे कंसेंट फॉर्म में यहाँ पे फिल कर देना, एंड अगर आप नहीं फिल करोगे तो आपका आपको फिर सेकंड राउंड के लिए कंसिडर नहीं करा जाएगा। आपको यहाँ पे यस क्लिक करना है, कोई फीस पे नहीं करनी है, ठीक है। अब जाते हैं कि फीस के ऊपर, कि अगर
या फिर से पहले एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि अगर आपको लाइक अभी भी कोई डाउट हो एंड चाहते हो कि आप CCMD या फिर किसी और कॉलेज में ट्राई करना हो तो प्लीज़ ये वाली वीडियो देख लेना, GATE 22 रिजल्ट्स आउट वाली। यहाँ पे मैंने बताया था विच कॉलेज वी कैन एक्सपेक्ट, तो मैंने लाइक NIT CCMT की, CCMT की एंड IITs की। CCMT में क्या होता है, IIT NITs की काउंसलिंग होती है, NITs की काउंसलिंग होती है, NITs, IIITs एंड कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं, ठीक है। तो ये सारे जो एडमिशन्स होते हैं ये CCMT के थ्रू होते हैं, तो प्लीज़ इसको, इस वाली वीडियो को ज़रूर देख लेना। एंड इसमें कट ऑफ वगैरह मैंने फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, थर्ड राउंड देने की कोशिश करी है, तो प्लीज़ ये वाली वीडियो ज़रूर देखना। एंड IITs के भी लाइक जो कट ऑफ्स थे ये भी मैंने इसमें डाल दिए हैं, बताए थे इस वीडियो में, ठीक है। ये वीडियो कहाँ मिलेगी आपको दिखा देता हूँ आपको, जैसे ही आप यहाँ पे यूट्यूब पे आएंगे, यहाँ पे जतिन गुप्ता सर्च करेंगे एंड यहाँ पे आपको आइकन पे क्लिक करेंगे तो वीडियोस वाले सेक्शन में जाके लाइक आई थिंक रिजल्ट के टाइम पे आई थी, थोड़ा नीचे मिलेगी, पर मैं आपको लाइक पहले रिजल्ट का लिंक दे दूँगा एंड देन फिर इस वाली वीडियो का लिंक दे दूँगा, ठीक है। तो ये वाली वो वीडियो थी एक महीने पहले 6.3K व्यूज़ थे, तो ये वाली वीडियो देख लें, पूरी डिटेल मिल जाएगी। अब फीस के इशू पर चलते हैं, लाइक फ़ीस का क्या है, तो फीस किस तरीके का है, लाइक आपको कब तक का टाइम दिया है कि आपको सीट एक्सेप्ट करनी है, तो लाइक सेकंड मई, आज सेकंड मई है, उसको सेकंड मई को रिजल्ट अनाउंस हो गया है, आपको 21 मई तक का टाइम दिया गया है, 21 मई तक आपको सीट एक्सेप्ट करनी है। एंड ये जो टाइम है, डेडलाइन है 5 PM टू बी, लाइक हर एक चीज़ की जो डेडलाइन है 5 PM है, ठीक है। तो 21 मई 5 PM तक आपके पास ऑप्शन है कि आप सीट एक्सेप्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड अगर इन केस अगर आपको जो आपकी सीट है वो कैंसिल करनी है, लाइक कुछ भी रीज़न हो सकता है आपको कैंसिल करनी है, तो लाइक अगर 21 मई 2022 को 5 PM के बाद आपने सीट अगर कैंसिल करिए, लाइक आफ्टर 5 PM आपने सीट कैंसिल करिए, मे बी लाइक सपोज 5:30 पे आपने मन करा कि कैंसिल कर देते हैं, तो आपको लाइक पूरा पेमेंट नहीं मिलेगा, 1,65,000 में से 1,65,000 में से 1,48,500 रुपीज़ मिलेगा, लाइक 70,000 रुपीज़ से कट होकर मिलेगा, ठीक है। एंड अगर 21 मई के और अगर 21 मई के बाद अगर आपको एडमिशन कैंसिल कराना है तो आप तो उसके बाद आपको इतनी पैसे मिलेंगे 1,23,750 रुपीज़ टिल 5 जून 5 PM तक, लेकिन 5 PM ध्यान रखना, ठीक है, ऐसा नहीं कि 6 PM 7 PM तक का वेट करें कैंसिल करने का। और या एंड सेकंड राउंड की डेट्स हैं, देन फिर 25 मई से सेकंड राउंड शुरू हो जाएगा, 4 जून तक ये चलेगा, एंड देन फिर 8 जून से थर्ड राउंड शुरू हो जाएगा एंड 18 जून तक ये चलेगा, ठीक है। सो प्लीज़ आप ये डेट्स वगैरह ध्यान रखना, एंड अगर इन केस आपको विड्रॉ करना हो तो टाइम पे विड्रॉ कर लेना ताकि कम से कम आपके पैसे कटे। एंड वी रिजर्व द राइट टू रन अ फोर्थ एंड फाइनल राउंड टू फिल एनी वैकेंट सीट्स आफ्टर राउंड 3। अगर राउंड 3 के बाद भी कुछ वैकेंट सीट्स रह जाएंगी तो 20 जून और 22 जून के बीच में राउंड 4 भी कंसिडर करा दिया जाएगा, ठीक है। एंड आई नो कि ये डेट्स जो है थोड़ा काफ़ी ज़्यादा है, बट लाइक जिन लोगों को थोड़ा पैसे अरेंज करने में टाइम लगेगा, तो लाइक यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 19 डेज ही दिए हुए हैं, 2 से लेकर 21 तक 19 डेज दिए हुए हैं ताकि आपको कोई अरेंज करने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। लास्ट वीक तो सिर्फ 1 वीक ही दिया था, आई थिंक 15 को रिजल्ट आ गया था, 22 तक आपको पैसे पे करने थे, लाइक 1 वीक का टाइम था, बट दिस टाइम में देख सकते हैं लाइक एटलीस्ट 2.5 वीक्स आपको दिए हैं फीस पे करने के लिए। एंड देन 25 से 4 के बीच में लाइक 9 डेज का गैप है, एंड देन 8 से 18 लेकर 10 डेज़ का गैप है, लाइक अच्छा खासा आपको गैप दिया है। तो प्लीज़ आप अब सोच समझ के अपना एडमिशन आपको अगर करना है तो प्लीज़ कर लीजिए, एंड अगर वेट करना है डिफरेंट कॉलेजेस का और वेट करना है तो वेट भी कर सकते हैं, ठीक है। और या लाइक इतना सब कुछ बताना था वो बता दिया, अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज़ वीडियो का कमेंट सेक्शन में लिख देना, एंड अगर भी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज़ आपको लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, तब तक के लिए बाय बाय।